हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेम एनाटॉमी इन डिटेल। स्टेम एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमी से शुरू करेंगे। बच्चों, एक डाइकॉट स्टेम का एनाटॉमी कैसा होता है, उसका इंटरनल अपीयरेंस कैसा होता है, वो पूरा डायग्रामेटिक तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो फॉलो करते जाओ। अब डाइकॉट स्टेम में शुरुआत वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस बेटा, और वो एपिडर्मिस से रेगुलर इंटरवल में हम लोग एपिडर्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जिसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। ऑब्जर्व करते जाओ। ओके, सो ये जो लेयर है बेटा, दिस इज एपिडर्मिस, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज एपिडर्मल हेयर। इस एपिडर्मल हेयर को हम लोग ट्राइकोम्स भी बोल सकते हैं। लेट अस शो वन मोर एपिडर्मल हेयर ओवर हियर बेटा। अच्छा, नाउ यू हैव टू इमेजिन द सेम एपिडर्मिस इन अ कट सेक्शन ऑफ स्टेम। सो लेट्स से बेटा, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक स्टेम है, इस पेड़ को हमने ऐसे काट दिया, स्टेम को ऐसे काट दिया बेटा। सो काटने के बाद ऊपर का हिस्सा हटा दिया, तो ये नीचे का ना कटा हुआ स्टेम है, बस इतना ही हिस्सा बचा है। तो ये जो सर्कल है, इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, देखो यहां पर। सो अप्रोक्सीमेटली सर्क्यूलर मैनर बेटा, बाहर वाला जो सेल है, ओके राइट, बाहर वाला जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से रेगुलर इंटरवल में ट्राइकोम्स निकल रहे हैं। ध्यान देते जा बेटा, आज के लेक्चर में डायग्राम ही पूरा का पूरा थियरी तेरे को याद रखने में हेल्प करेगा। राइट, ओके, सो अप्रोक्सीमेट सर्क्यूलर शेप। सो एक स्टेम को हमने यूं काट दिया है, और काटने के बाद उसको ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा, जब ऊपर से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो सारे सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस के सेल्स है बेटा। ओके, अच्छा, अब ना बेटा एक बात अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पे जो हम लोग लेयर बाय लेयर ड्रॉ करते जाएंगे ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो असली वाले स्टेम में आउटर टू इनर होते रहेगा बेटा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अब इसका नेमिंग कर देते हैं। सो ये जो हम लोग ने देखा है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राइकोम, ऑल्सो कॉल्ड एज एपिडर्मल हेयर। Epidermal hair is also called as trichome, and remember trichomes are multicellular. Root hair जो होते हैं ना बेटा, root hair is unicellular, okay? और stem में से जो hair निकलता है उसको trichome बोलते हैं, और trichome multicellular होता है MCQ के हिसाब से। इसलिए अभी हम लोग हर एक trichome के अंदर partition draw कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये बहुत सारे cells का बना है, एक दो तीन सेल का बना है ऐसा बना, ठीक है? तो अंदर पार्टीशन दिखा रहे हम लोग, सो एज टू शो दैट इट इज मल्टीसेल्युलर। और यहाँ हर जगह जो हमने ट्राइकोम्स निकाले हैं उसमें हम लोग पार्टीशन दिखा देते हैं बेटा, जस्ट एज टू इंडिकेट इट इज नॉट यूनिसेल्युलर, इट इज मल्टीसेल्युलर। ऑल राइट, now next point that we have to remember is epidermis ke bahar ki taraf you will find this wax like layer ka covering which is called as cuticle,
ओके सो इस वाले कटे हुए स्टेम में ये यहां होगा बेटा, ओके सो व्हाट इज दिस वैक्स लाइक लेयर कॉल्ड एज, दिस वैक्स लाइक लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, येलो वाला लेयर यहां पे बेटा और येलो वाला लेयर यहां पे, ओके फिर एपिडर्मल हेयर जो है यहां पे भी नेम कर रहे हैं हम लोग, फाइन देन After the epidermal hair, okay, and the cuticle, then this layer itself is called as epidermis. अब epidermal hair is just a projection बेटा, okay? But ये जो नीचे के cells है ना, इसको हम लोग बोलेंगे epidermis. So इसका भी naming कर देते हैं. तो यहां पर कैसे बेटा, ये जो सारे सेल है जैसे ये एक सेल हुआ, ओके तो यहां दूसरा सेल होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल, ये सब एपिडर्मिस है बेटा, ओके वैसे ही सब में इमेजिन कर लो, फाइन मूविंग ऑन. Then after epidermis, then the next layer that we have is the cortex. और यहाँ पर कैसे ना कि stem में cortex is divided into three layers. Okay, जिसमें से पहला layer है hypodermis, दूसरा layer है general cortex और तीसरा layer है endodermis. So let us start with hypodermis first. Yellow color का cells, hypodermis. ओके सेम हाइपोडर्मिस वी विल शो हियर आल्सो बेटा. अब यहां पे हम लोग सेल्स नहीं ड्रॉ कर रहे बेटा, मैं खाली इसको एक मार्जिन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाकी यू हैव टू इमेजिन इन योर माइंड बेटा. ओके यानी ये वाला लेयर, इसमें ना सबके सब सेल्स भरे होते हैं बेटा, सो वो याद रखना. चलो नेमिंग करते बेटा इसका, तो दिस इज हाइपोडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस हियर इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, द सेल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड ओवर हियर. ओके हम लोग डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, उसमें हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना बेटा. सेम चीज जब हम लोग मोनोकॉट स्टेम पे आएंगे ना, तो वहां पर वी विल नोटिस दैट द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा बेटा. ओके सो This is hypodermis. The yellow वाला layer. अब hypodermis के बाद the next layer is called as general cortex. ये parenchyma के बने होते हैं. ये cells थोड़ा सा loosely arranged है और इनके बीच में तुमको intercellular spaces भी दिखेगी बेटा. General cortex and these cells are made up of parenchyma.
ओके यहाँ पे दिखा है जनरल कॉर्टेक्स बेटा, ओके सो ये वाला लेयर, यहाँ पूरा का पूरा सेल्स भरा होगा बेटा, इसको रिलेट कर दें हम साइमल्टेनियसली दोनों डिस्कस करते जाते बेटा। आफ्टर जनरल कॉर्टेक्स देन द नेक्स्ट लेयर दैट वी हैव दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस दे आर मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, and these cells of endodermis they show presence of starch, that is why they are also called as starch sheath, sheath yani covering beta, okay। अब जो हम लोग लेयर बना रहे हैं ना बेटा दैट इज एंडोडर्मिस, ओके यानी ये वाला लेयर पूरा, राइट बेटा। ओके नाउ आफ्टर एंडोडर्मिस कम्स द नेक्स्ट लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज अ पेरिसाइकल, ओके सो लेट अस रिप्रेजेंट पेरिसाइकल, लेट अस से दीज आर द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल, पेरिसाइकल की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ जो सेल्स है वो स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं एंड दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस, सो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। सेमी मींस हाफ और लूनार का मतलब मून, आधा मून के शेप का है बेटा, ओके तो यहां पर दिखाएं उसको आधे मून के शेप का, ये देखो ये आधा चंद्रमा, ओके ये देखो ये भी आधा चंद्रमा बेटा, आधा चंद्रमा हाफ मून, राइट बेटा आधा चंद्रमा, आधा है चंद्रमा, गाने में मत ध्यान दे डायग्राम में ध्यान दे बेटा, ओके सो ये जो सारे सेल्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे पेरिसाइकल। अब इसका नेमिंग कर ले बेटा, मैं इसको ना शेड कर देता हूँ, अब मैं ये लाइन लाइन दिखा रहा हूँ पर इसके अंदर सेल्स होते हैं बेटा ऐसे, ओके राइट देखते जा ध्यान से अपना पूरा रंगोली तैयार हो जाएगा, रंगोली मतलब डायग्राम हा? और डायग्राम मतलब रंगोली, ओके सो दीज आर सेमी लूनर पैचेस, चलो आधा चंद्रमा बाहर आ जाओ लग जाओ अपने नेम पर, और ये उसके सेल्स आ रहा है परफेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ना पेरिसाइकल के बाद बेटा जाइलम और फ्लोएम होता है, और जाइलम और फ्लोएम को साथ में मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स, याद है ना पिछले कई लेक्चर से चिल्ला रहा हूँ वैस्कुलर यानी वेसल्स, वेसल्स यानी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो कंडक्ट करता है मटेरियल को, सो अब जाइलम और फ्लोएम रिप्रेजेंट करेंगे।
अच्छा अब यहाँ पर कैसा होता है ना, स्टेम में जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। देखो एक छोटा सा सेक्शन हम लोग रिवाइज करते हैं, वैस्कुलर बंडल की अगर हम लोग बात करें तो वैस्कुलर बंडल हमने रूट में कैसा देखा था बेटा, रूट में इट वॉज रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या, अगर यहां पर जाइलम है राइट तो यहां फ्लोएम आएगा, फिर वापस जाइलम, फिर वापस फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, ऑल्टरनेटली बेटा देन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी एक रेडियस पे सिर्फ एक ही वैस्कुलर बंडल है ना, दूसरे रेडियस पे दूसरा वैस्कुलर बंडल राइट बेटा, तो हर रेडियस पे देखो एक ही वैस्कुलर बंडल है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब स्टेम में कैसा होता है, स्टेम में इट इज कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि एक ही रेडियस पे, सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल इसको हम लोग यहां दिखाते हैं, इसको समझो ये स्टेम का कट सेक्शन, ओके अब स्टेम में हम लोग को कैसा दिखेगा, कंजॉइंट कोलैटरल, कंजॉइंट कोलैटरल का मतलब समझो ये वैस्कुलर बंडल है, ये रेडियस है, अब एक रेडियस पे फ्लोएम है और उसी के आगे जाइलम है, तो यहां पे जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे ना बेटा, और यहां देखो कैसा था, एक रेडियस पे सिर्फ एक ही वैस्कुलर बंडल था, या तो जाइलम या तो फ्लोएम, तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा, इसको अच्छे से याद रखना चाहिए कि यहां पर तुमको कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल देखने मिलेगा। अब कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग फ्लोएम ड्रॉ कर लेते बेटा, ठीक है, फ्लोएम को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, सो ये है फ्लोएम, देख लिया बेटा ध्यान से, ओके राइट, यहां पर रिप्रेजेंट कर दे फ्लोएम को येलो कलर से, सो लेट्स से ये फ्लोएम के सेल्स, नाउ अब फ्लोएम के बाद आएगा जाइलम, सो ये है जाइलम, देखो बेटा ध्यान से, हम ओके अब मैं ना सब में नेम कर देता हूं, यहां क्या था फ्लोएम बाहर की तरफ, बराबर है बेटा, तो पी लिख रहे हैं हम लोग, ओके अच्छा अब अंदर की तरफ क्या है जाइलम, अब जाइलम में भी तुमको ये याद रखना है कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था, टेक्निक ये था कि रूट ऑफ एक्स इज राइमिंग, राइमिंग यानी पी पी एम एम, अब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये टेक्निक हमको क्या सिखा रहा था कि रूट में एक्स, एक्स यानी एक्स आर्च पैटर्न होता है, सो रूट में एक्स आर्च पैटर्न है जहां पर प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर राइट, तो ये तो हो गया रूट का टेक्निक, बट अब स्टेम में उल्टा है, हम लोग तो स्टेम पढ़ रहे हैं ना बेटा, सो स्टेम में व्हाट यू विल फाइंड इज एंड आर्च पैटर्न, अब एंड आर्च पैटर्न में उल्टा करो, एंड आर्च पैटर्न में प्रोटोजाइलम तुमको बीच में मिलेगा, मिडल में मिलेगा, और मेटाजाइलम तुमको पेरिफेरी में मिलेगा, तो अभी इसी के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, प्रोटोजाइलम बीचों बीच में आना चाहिए और मेटाजाइलम पेरिफेरी में। अच्छा प्रोटोजाइलम क्या है, जो शुरुआत में रहते हैं छोटे छोटे सेल्स होंगे, सो यहां बीच की तरफ छोटे छोटे सेल्स आएंगे, और मेटाजाइलम पेरिफेरी में तो बड़े बड़े सेल्स आएंगे, तो यहां हम लोग जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये जाइलम है,
धीरे धीरे साइलम छोटा होते जा रहा है बेटा, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे साइलम है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोसाइलम, और ये प्रोटोसाइलम की तरह मिडल की तरफ आ रहा है ना, बीच में आ रहा है बेटा। सो प्रोटोसाइलम इज टुवर्ड्स द मिडल, ओके। और ये जो बड़ा बड़ा साइलम है बेटा, ये है मेटासाइलम, एंड मेटासाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ओके फाइन। फिर यहां ऊपर की तरफ जो हम लोग ने देखा वो फ्लोएम था बेटा। फ्लोएम और साइलम, ये पूरा पिज्जा का स्लाइस जैसा इमेजिन करो, ओके। ये देखो इतना, ओके, ये पूरा स्लाइस ये है ना, फ्लोएम और साइलम। तो यहां सब जगह ये साइलम है बेटा, बट साइलम में भी क्या तुमने नोटिस किया, साइलम में ये नोटिस किया, ये स्लाइस देखो कंपेयर करो इससे, कि मेटासाइलम ऊपर की तरफ है, यानी इतने टुकड़े में ऊपर की तरफ यहां पर मेटासाइलम है, तो मैं एम लिख देता हूं, और यहां प्रोटोसाइलम है, यानी प्रोटोसाइलम सेंटर की तरफ आ रहा है और मेटासाइलम पेरिफेरी की तरफ है बेटा, ओके। और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एंड आर्च पैटर्न, याद रखने का बेटा। अच्छा, अब इसके बाद बीच में व्हाट यू विल फाइंड इज अ फिलर कनेक्टिव सेल्स, ओके। एंड लास्ट में जो सेल्स दिखते हैं ना बेटा यहां पर, इनको हम लोग बोलते हैं पित, ओके, यस। एंड द रिमेनिंग सेल्स विल कंटिन्यू इनके आजू बाजू में, वो सेल्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे बेटा थोड़ी देर में। सो ये जो एकदम सेंटर में आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे पित, ओके, राइट। अच्छा, यानी पिथ इसमें कहां पर होगा, ये वाला पिज्जा का स्लाइस था, ओके। तो इसके यहां के जो सेल्स हैं, यानी इसमें है, ये पूरा एकदम सेंटर वाला जो जोन रहेगा बेटा, ओके, सो दैट इज पिथ, तो उसका नेमिंग कर देते बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पिट विच इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द मिडल, ओके फाइन बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट नेमिंग ये है जो इस वाले डायग्राम में नहीं नजर आएगा बेटा, जैसे ये पिज्जा का स्लाइस है, ओके, इसमें ये जो सेक्शन है फ्लोएम से लेके जाइलम तक, इसको हम लोग बोलेंगे वैस्कुलर बंडल, और यहां पर वैस्कुलर बंडल में तुमने क्या देखा बेटा, कि ये वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट और कोलैटरल है, इट इज कंजॉइंट एंड कोलैटरल। अच्छा, बट ये वैस्कुलर बंडल की और एक नई बात है बेटा, जो अभी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कि ये फ्लोएम और साइलम के बीच में यहां पर ये जोन में जो सेल्स हैं, ओके, इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे कैम्बियम, साइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स है उसको हम लोग बोलेंगे कैम्बियम, क्योंकि ये डाइकॉट स्टेम है तो इसमें कैम्बियम मिलेगा, और क्योंकि कैम्बियम मिलेगा इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल। ये मैंने मेरे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा, याद रखना। सो डाइकॉट स्टेम है, यू फाइंड प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, दैट इज व्हाई द वैस्कुलर बंडल बिकम्स कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल, ओके राइट।
यानी यहाँ पर अगर हमको कैम्बियम दिखाना रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में। अब ये जो मार्जिन है ना बेटा, ये इसका कैम्बियम हुआ, ये दूसरा कैम्बियम है बेटा, ओके राइट। एक्चुअली इसको इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। मैं मेरे आने वाले सेकेंडरी ग्रोथ के लेक्चर में डिटेल में इस बारे में बात करूंगा बेटा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज कैम्बियम, इसका नेमिंग करते हैं बेटा। नाउ फिर ये वैस्कुलर बंडल यानी ये जाइलम फ्लोएम, ये पिज्जा का स्लाइस और ये पिज्जा का स्लाइस, इसके बीच में जो सेल्स है यानी जो सेल्स यहां पर भरे हुए ये सब जगह पे, अगर ड्रॉ करना है तो गोल गोल ये जो सेल्स होंगे ना यहाँ पे बेटा, ओके ये पूरे सेक्शन में। सो ये सेल्स कैसे हैं, ये एक सूर्य की किरण की तरह बाहर आ रहे हैं ना, सो दे आर कमिंग आउट लाइक सन्स रेज, राइट बेटा। दैट इज व्हाई दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी रेज। सो इसका नेमिंग भी कर देते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी रेज, ओके। अच्छा अब बच्चों तुमको क्या समझना मालूम है, ये जो पूरा सेक्शन हमने यहाँ ड्रॉ किया है ना, ये पूरा सेक्शन एक्चुअली इस कटे हुए स्टेम का ये वाला पार्ट है, इतना सा पार्ट है, ओके। अब इसको कंपेयर करो देखो, राइट, यानी ऐसा इमेजिन करो, या तो ऐसा इमेजिन करो कि एक पेड़ है जो ऐसा उग रहा है, ठीक है, ये जमीन है, बोर्ड जो है ना वो जमीन है, ये पेड़ ऐसा उग रहा है, ये पेड़ को मैंने काट दिया, तो जब भी तुम पेड़ को काट दोगे तो उसका कटा हुआ हिस्सा तुमको दिखेगा, राइट। अब वो कटे हुए हिस्से में से मानो ये पिज्जा है और ये पिज्जा का एक स्लाइस निकाला, मैंने यहाँ जूम किया बेटा, तो जूम करने पे हमको क्या पता चला, बाहर की तरफ क्यूटिकल है, राइट, तो यहाँ पर एकदम बाहर की तरफ सब तरफ क्यूटिकल होगा ना, क्योंकि जो क्यूटिकल यहाँ तुझे दिख रहा है वैसे और एक स्लाइस होगा, तो वहां भी होगा, वहां भी होगा, वहां भी होगा, तो ये पूरा है ना, यानी असली वाले पेड़ में एक पेड़ को मैं यूं काट दूंगा तो ये बाहर की तरफ क्यूटिकल होगा और उसमें से ऐसे ट्राइकोम्स निकल रहे सब तरफ से, देख सकते हैं ट्राइकोम्स निकल रहे, राइट, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर आएगा एपिडर्मिस, राइट, फिर उसके बाद यू गेट हाइपोडर्मिस व्हिच इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, जनरल कॉर्टेक्स व्हिच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड एंडोडर्मिस व्हिच इज मेड अप ऑफ स्टार्च, सो इट इज कॉल्ड एज स्टार्च शीथ। देन कम्स पेरिसाइकल, पेरिसाइकल शोज प्रेजेंस ऑफ सेमीलुनर पैचेस इन टर्म्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा बेटा, एंड देन सेंटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पिथ एंड द सेल्स व्हिच आर रेडिएटिंग आउट दे आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी रेज व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, जो जाइलम ऑफ फ्लोएम के बीच में, और एकदम सेंटर वाले हिस्से को हम लोग पिथ बोलेंगे बेटा, ओके। अब इसमें सबसे मेन बात यह है कि इसका वैस्कुलर बंडल देखो किस तरह से अरेंज है, वैस्कुलर बंडल इज अरेंज लाइक अ रिंग, जैसे ये एक स्लाइस है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ओके राइट, और ये देखो ये उसके बीच का कैम्बियम। सो ये जो वैस्कुलर बंडल का रिंग है ना, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं यहां लिख के रखता हूं, वैस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। सो डाइकॉट स्टेम के कट सेक्शन की खूबी है, क्या खूबी है, कि उसका वैस्कुलर बंडल किस तरीके से अरेंज है, उसका वैस्कुलर बंडल रिंग के पैटर्न में अरेंज है बेटा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। इतना समझा बच्चों, ओके राइट फाइन। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो बच्चों कंटिन्यू करें। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम, हो ना कि चले गए, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, ओके, नेक्स्ट पार्ट बाकी है बेटा, नीट एग्जाम के हिसाब से एक एक इंफॉर्मेशन आना चाहिए बेटा। सो अभी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट अस इमेजिन एक प्लांट है, इसको हमने यू काट दिया, काटने के बाद ये उसका कट एंड है, सो उसका कट एंड निकाला और वो सर्कल में बोर्ड पे रखता हूँ, तो एक मोनोकॉट स्टेम को काटने के बाद वो कैसा दिखेगा वो हम लोग बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसमें ना सेम तरीके से ही हम लोग प्रोग्रेस करेंगे,
बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे बेटा। ये देखो देखा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी है बेटा, ऑलमोस्ट पूरा पैटर्न सेम है, खाली जो अलग अलग पॉइंट है ना वो ही पे हम लोग ध्यान देंगे बेटा। तो जो बाहर वाला लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ओके राइट। अच्छा अब इसी का ना एक छोटा सा सेक्शन, छोटा सा टुकड़ा, लेट्स से इसमें से एक टुकड़ा काट के मैंने यहां निकाला। ओके राइट। And the tukda is placed somewhat like this. यहां जो सेल है ये एक दो तीन चार, ओके ये सारे सेल्स हैं एपिडर्मिस के। अब यहाँ एक बात नोटिस करो, देखो डाइकोट में ना एपिडर्मिस के साथ पता है ट्राइकोम्स निकल रहा था, ओके यानी हेयर निकल रहा था, यहाँ पर वो हेयर नहीं है। सो एक मोनोकॉट स्टेम में हम लोग क्या क्या अलग अलग बातें देखते हैं ना वो यहाँ लिखते जाता हूँ बेटा। सो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम सबसे पहला पॉइंट स्पेशल क्या नोटिस किया डाइकॉट के मुकाबले, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट। ओके राइट बेटा फाइन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सेल लेयर है तो यहां रिप्रेजेंट करें, यानी ये लेयर का, हालांकि यहां पे सेल्स भरे होते हैं ये तुमको मन में इमेजिन करने का बेटा, इमेजिन कर रहा है ना सेल्स। हाँ बेटा ओके राइट, कुछ और इमेजिन मत करो, इधर उधर मन भटकाओ मत, फोकस रहो, बहुत जरूरी है बेटा। ओके अब ये जो सेल का लेयर हमने बनाया ना इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोडर्मिस, और यहां जो हाइपोडर्मिस है ना वो स्क्लेरेन्काइमा का बना है बेटा। डाइकॉट में हम लोग ने देखा था वो कॉलेन्काइमा का बना था। तीन बार बोला हिंदी पिक्चर एक्शन 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 वैसा, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए वापस से बोलता हूँ, डाइकॉट में वो कॉलेन्काइमा का बना था, यहाँ पर हाइपोडर्मिस मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमा का बना है। ओके तो इसको नेम कर देते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट लिखे नीचे कि यहाँ हम लोग ने क्या देखा, इसका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा का बना, सो इट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। ऑल राइट फाइन, चलो मूविंग ऑन। आफ्टर हाइपोडर्मिस ओके, अब अंदर की तरफ पूरे के पूरे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं बेटा। ओके राइट, सो लेट अस ड्रॉ वैस्कुलर बंडल्स। ये एक एक वैस्कुलर बंडल है बेटा, देख देख तू खाली देख मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं और मुझे बता बेटा क्या ऑब्जर्व कर रहा है। सर आप सर्कल बना रहे हो, ए बाबा ये ज्योमेट्री लेक्चर में नहीं आया है तू, बायो है, बायो की बात करने का। क्या नोटिस कर रहा है, पहली बात वैस्कुलर बंडल कैसा बिखरा हुआ है राइट, दूसरी बात वैस्कुलर बंडल है ना बड़े बड़े बीच में होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं, और छोटे छोटे पेरिफेरी की तरफ होते हैं। तो ये पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करें बेटा यहाँ पे,
सो मोनोकॉट स्टेम क्या वैस्कुलर बंडल में, व्हाट हैव वी नोटिस्ड, पॉइंट नंबर वन, द वैस्कुलर बंडल्स दे आर स्कैटर्ड, ओके, एंड दे आर स्कैटर्ड इन अ टिश्यू विच इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू. अभी ध्यान से सुनो, ये सब के सब वैस्कुलर बंडल है और इसके बीच में ये सब जो पोर्शन है, जो पूरा ग्रीन बोर्ड है ना बेटा, वो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू. तो उसका नेमिंग कर लेते बेटा, ओके, राइट. अब यही वैस्कुलर बंडल हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट करें बेटा, तो ये तो हो गया वैस्कुलर बंडल. अच्छा, अब रही बात ग्राउंड टिश्यू की, चलो तो ग्राउंड टिश्यू ड्रॉ कर लेते बेटा. These are the cells of ground tissue. इसको पूरी तरीके से भर देंगे. छोटा सा, छोटी सी आशा, हिंदी सॉन्ग्स. ऑलराइट, इसको अगर बायोलॉजी में बोले तो हार्ट इज माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एम्बिशंस, ज्यादा बायो हो जाएगा. एनीवे फाइन, सो ये ग्राउंड टिश्यू ड्रॉ कर दिया बेटा. अब ये जो धब्बा धब्बा ड्रॉ किया ना, ये है ना एक्चुअली वैस्कुलर बंडल है, तो इसका नेमिंग पहले ही करके रखते हैं. तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा मींस एरियल अडैप्टेशन. ओके, एनीवे, अब ये वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम दिखाना पड़ेगा बेटा अपने को. अब इसके अंदर ना पहले मैं ना फ्लोएम दिखा देता हूँ. मुझे फ्लोएम एक कोने में, तो ये जो सारे सेल्स है ना, ओके, ये सेल्स है फ्लोएम के बेटा. हर एक में दिखा देता हूं फ्लोएम. ये सब एक छोटा छोटा होएगा, एकदम छोटा छोटा, ये कैसा छोटा छोटा, ठीक है, ओके. अच्छा, अब ये तो हो गया फ्लोएम बेटा. अब आती है बात जाइलम की, ओके. सो इसमें कैसा होता है ना कि जैसा कि हम लोग अभी अभी डिस्कस कर रहे थे कि स्टेम में वैस्कुलर बंडल तुमको कैसा मिलेगा, कुछ इस पैटर्न का मिलेगा बेटा. ये फ्लोएम और ये जाइलम, राइट. इसको हम लोग बोलते हैं कंजॉइंट कोलैटरल. अभी अभी बोल रहा था ना बेटा, भूल गया क्या इतना जल्दी, ओके. सो दिस इज कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल. अब इसमें जाइलम में भी दो टाइप होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. सुनते जा ध्यान से, ओके, राइट. और हमने क्या पढ़ा है, स्टेम में एंड आर्च पैटर्न होता है.
हमारा टेक्निक के हिसाब से हमने क्या याद रखा था, रूट में एक्स आर्च पैटर्न, यानी रूट ऑफ एक्स इज राइमिंग. सो रूट में एक्स, एक्स यानी एक्स आर्च पैटर्न, और एक्स आर्च पैटर्न में क्या पढ़े थे, राइमिंग, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में, मेटाजाइलम मिडल में. यहां उल्टा, प्रोटोजाइलम मिडल में और मेटाजाइलम पेरिफेरी में. अच्छा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में से सबसे पहले कौन सा बनता है, प्रोटोजाइलम. सो प्रोटोजाइलम का साइज छोटा होगा बेटा, राइट. सो लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल ये प्रोटोजाइलम, ओके, और मेटाजाइलम बड़ा होगा. सो लेट अस से ये मेटाजाइलम. अब जो जाइलम ड्रॉ करने वाला हूं, तो बड़ा बड़ा जाइलम पेरिफेरी की तरफ बनाऊंगा मैं, यानी इधर देखो, अब इसके अंदर मेरे को जाइलम बनाना है, तो ये बड़ा जाइलम पेरिफेरी की तरफ, ये हो गए बड़े बड़े जाइलम. ओके, और फिर उसका प्रोटोजाइलम छोटा वाला, वो सेंटर की तरफ आएगा. सर कैसा ये सेंटर है, क्या इमेजिन करूं मैं? अरे बेटा तू ये इमेजिन कर कि ये जो पूरा टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा इतना है. ये टेक्सटबुक अपने को बताता नहीं है ये सब, कि कैसा इमेजिन करने का, कैसा देखने का उसको. सो अब इस टुकड़े में वो जिनके नोटिसेस, यहाँ जो सेल्स रहेंगे ऊपर, राइट, ये सारे सेल्स, एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, राइट. तो ये पूरे के पूरे हो गए ना एपिडर्मिस, राइट बेटा. अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ जो सेल बना है ये अंदर की तरफ, ओके, राइट, वो हो गया हाइपोडर्मिस. उसके बाद ये जो बैकग्राउंड में पूरा का पूरा चल रहा है ना, वो ग्राउंड टिश्यू है. और ये धब्बा धब्बा जो है ना बेटा, ये वैस्कुलर बंडल है. सुनते जा बात ध्यान से, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है बेटा. अब इसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू नो इज कि फ्लोएम हम लोग ने किधर दिखाया, पीछे की तरफ, और जाइलम आगे की तरफ. और जाइलम में भी है ना दो पैटर्न दिखा रहे हैं, बड़ा वाला जो जाइलम है वो मेटाजाइलम होगा, यहां नेम कर देता हूं मैं. तो ये वाला जो जाइलम है ना, दिस इज मेटाजाइलम, ओके. और इसके आगे जो छोटा वाला जाइलम दिखाया ना हम लोगों ने, ये प्रोटोजाइलम. और किस तरह का तेरे को अरेंजमेंट दिख रहा है, इसलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम में कैसा अरेंजमेंट होता है, एंड आर्च अरेंजमेंट होता है ना बेटा, ओके, राइट, फाइन. एंड रिमेनिंग व्हाट यू विल फाइंड इनसाइड दिस इज जस्ट फिलर टिश्यू बेटा. सो ये था बड़ा वाला मेटाजाइलम, ओके बेटा. सो ये सब मेटाजाइलम, ओके, और ये प्रोटोजाइल, फाइन. अब ये पूरा का पूरा पैटर्न है ना, ओके, इस सेक्शन का ज़ूम्ड आउट पैटर्न है बेटा, ओके, हमने मैग्नीफाई किया, ज़ूम किया इसको. अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे तुमने क्या क्या देखा, वैस्कुलर बंडल तो स्कैटर्ड है, एंड इट इज स्कैटर्ड इन विच टिश्यू, इट इज स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू. और ये ग्राउंड टिश्यू किसके बने होते हैं, ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं. अच्छा, दूसरी बात, हर वैस्कुलर बंडल के आजू बाजू में जो सेल्स होंगे ना, ये मार्जिन वाले, ओके, वो बंडल शीथ सेल्स होते हैं. तो वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड, ये वैस्कुलर बंडल का नेक्स्ट पॉइंट है बेटा. फर्स्ट पॉइंट क्या था, वैस्कुलर बंडल दे आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, दे आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स विच आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. अच्छा, फिर नेक्स्ट ये याद रखो कि वैस्कुलर बंडल का पैटर्न कैसा था, छोटा छोटा वैस्कुलर बंडल पेरिफेरी की तरफ है और बड़ा बड़ा सेंटर में है ना. सो वैस्कुलर बंडल इज स्मॉल एट पेरिफेरी एंड इट इज बिगर एट द सेंटर बेटा, बराबर है. तो एकदम बीचों बीच में बड़ा है, एट दी सेंटर यानी मिडल में वो बड़ा है बेटा. अच्छा, दूसरी बात, तेरे को एकदम सेंटर में पिच दिख रहा है क्या, कहीं इसमें पिच नहीं होता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज पिच इज एब्सेंट, ओके. नेक्स्ट, इवन मोनोकॉट में
फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। Getting it better? Okay, fine. So that's all about the transverse section of monocot stem. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये? Okay. तो यही होता है बच्चों। देखो कैसा पेड़ काटना बहुत आसान है। तो जब कोई पेड़ काटता है ना उसका स्टेम काटता है, राइट? तो तुम बायो स्टूडेंट होने के नाते उधर पहुंच जाने का उसको बोलेगा ठहरो। तुम जो पेड़ काट रहे हो ना वो तुम एक्चुअली क्या काट रहे हो मालूम है? तुम उसका ट्राइकोम्स है काट रहे हो, उसका क्यूटिकल काट रहे हो, तुम उसका एपिडर्मिस काट रहे हो, फिर उसका हाइपोडर्मिस काट रहे हो, देन यू आर कटिंग इट जनरल कॉर्टेक्स, यू आर कटिंग डाउन द एंडोडर्मिस, देन यू आर कटिंग डाउन द वैस्कुलर बंडल, एंड इफ इट इज अ डाइकॉट देन यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, इफ इट इज मोनोकॉट यू विल नॉट फाइंड प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, सो द वैस्कुलर बंडल डिफर्स। ये सारे लेयर्स कट कर रहे हो, यानी जो काटने वाला है ना उसको ऐसा लगना चाहिए कि अरे मैं बहुत सारी चीजें काट रहा हूँ, उसको पूरा एनाटॉमी सिखा देने का, सो दैट उसको पछतावा होना चाहिए और वो पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये एक सामाजिक मैसेज भी है, पेड़ मत काटो बच्चों, ओके? बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल, वो इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कुदरत के बनाए हुए सारे के सारे जीव जंतुओं की। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। ओके, कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, एंजॉय योर लाइफ बेटा। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू।